नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बिना भाग दिए हुए इन भिन्नों को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि यह भिन्न शांत है या अशांत। तो इसको जो है करने का एक ही मात्र ट्रिक है, और यह जो है बहुत ही आसान ट्रिक है। तो यह ट्रिक है कि हम लोगों को हर का गुणनखंड करना है, और हर का गुणनखंड करने के बाद हम लोग यह जज करना है कि 2 पर m × 5 पर n के घात का रूप का है कि नहीं है। यदि हर का अगर गुणनफल 2 पर n माने 2 पे कोई घात आए, या 5 पे कोई घात आए, या केवल 2 पर जो है कोई घात आए, या केवल 5 पे कोई घात आए, इस रूप का अगर मिल जाता है हर में गुणनफल, हर के गुणनखंड में, तो हम लोग कहेंगे कि यह शांत है, और नहीं तो यह जो है क्या होगा, अशांत होगा। तो आइए जो है सबसे पहले इसको देखते हैं। 77/210 को हम लोग देखते हैं कि शांत होगा कि अशांत। शांत का और अशांत का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि जो है शांत भिन्न वह होता है जो कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, और अशांत भिन्न वह होता है जो जो है पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है और कटता रहता है, चलता रहता है, तो उसको अशांत कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को बिना भाग दिए हुए जानना होगा कि जो है इसको कैसे जो है शांत या अशांत दशमलव बताएंगे। तो इसके लिए जो यही फार्मूला का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो 210 का हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तभी ना जो है इसका गुणनखंड होगा। तो 210 का जो है यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लास्ट में अगर 0 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी या 5 से। तो पहले 2 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो 2 अकन 2, और डायरेक्ट डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 उतार देंगे, और 2 5 10 हो जाएगा। फिर जो है अब यह संख्या लास्ट में 5 है तो यह जो है 5 से ही विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित करते हैं तो 5 × 2 = 10, और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद से अब इसको जो है हम लोग 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 × 7 = 21, और जो है फिर 7 से विभाजित होगा। तो यह जो है 7 से विभाजित होगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में क्या हो रहा है कि 77, अब बटे में जो है क्या हो रहा है 210 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 3 × 7 हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो देखिए ना, अब 7 से हम लोग इसको काट भी सकते हैं, तो 7 एकम 7 7 एकम 7। अब जो है देखिए, अब 3 से ही जो है 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब इसके हर में 2 और 5 के अलावा 3 भी मिल रहा है। इसलिए यदि जो है यह 3 नहीं होता, 7 तो ख़त्म ही हो गया, अगर यह 3 नहीं होता तब तो हम लोग कह सकते थे कि यह 2 × 5 पर इस रूप का है, 2 पर n घात और 5 पर m घात के रूप का है, तब तो यह जो है शांत है। लेकिन यह जो है इसमें 3 अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। इसका जो है दशमलव क्या होगा, तो इसका जो है अशांत दशमलव रूप होगा। ठीक है, तो इसका जो है दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यह जो है 2 पर n × 5 पर m के रूप का नहीं है। अगर केवल 2 × 5 बचता ना, या इस पे कुछ घात के रूप में, तब तो हम लोग कह सकते थे कि यह जो है शांत दशमलव है, लेकिन यह जो है शांत दशमलव के रूप का नहीं है, क्योंकि इस रूप का यह नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं किसको, तो 129 अब बट्टे में कितना है, 2 × 2 × 5 / 7, कोई भी आप जो है अंक हो, तो इस जो है इस रूल पर जो अगर फॉलो करता है, इस रूल का अगर फॉलो करता है हर इसका, तो जो है समझिएगा कि जो है शांत है, नहीं फॉलो करेगा तो समझिएगा कि अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब जो है 7 पे 5 घात है। ठीक है, और ऊपर जो है क्या है, 129 है, तो 129 है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है 7 जो है ख़त्म ही नहीं हो सकता है, मैंने ये जो है पूरा जो है 2 पर 7 है, यह तो जो इस रूप का दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए है, यह अगर ख़त्म हो जाता है इससे, तो 169 जो है 7 से ख़त्म हो जाएगा, तो जो है 7 से अगर 129 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यह जो है 9 × 3 = 12 है, यानी कि यह 3 से कटने वाला है, तो 3 × 4 = 12, अगर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो समझिए यह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 × 4 = 12, और 3 × 3 = 9, फिर जो है अब कटेगा ये, तो 4 × 3 = 7, अब 3 से नहीं कटेगा, तो यह जो है 3 से नहीं कटेगा, और यह जो है लगभग अब किसी भी संख्या से जो है विभाजित होने वाला नहीं है, यह जो है किसी भी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है।
ठीक है, तो यह जो है हम लोग इसका गुणनखंड लिख सकते हैं, 3 × 4 43 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा, और गुणे जो है क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब 7 से कट ही नहीं सकता है। और देखिए तो ये इसका मतलब ये जो है इसके जो है इस रूप का नहीं दिख रहा है, 2/n × 5/m के रूप का नहीं है, मतलब अगर है नहीं रहता तब तो हो जाता है शांत, लेकिन ये है तो ये है तो इसके वजह से यह जो है शांत नहीं होगा। अगर इन ऊपर वाले अंक से कट भी जाता तो वो ख़त्म हो जाता, तो इतना बचता तो हो जाता शांत, लेकिन जो है कट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो है क्या है, अशांत है, ये भी जो है क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो ये भी जो है दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी नाप ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ना, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 21 ले लिए और यहाँ पे आप लोग ले लिए 1600। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ले लिए 1600। अब 1600 का गुणनखंड कीजिए ना, 1600 का गुणनखंड कीजिए, तो 1600 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 8 = 16 हो गया, और 0 उतार लेंगे, फिर 2 × 8 = 8 और 0 उतार लेंगे, फिर 2 × 2 = 4, फिर जो है क्या होगा, 2 × 2 = 4 हो गया, 0 उतार लेंगे, फिर 2 × 2 = 2 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे, फिर 2 × 25 = 2 × 50 = 100, फिर 2 × 25 = 50, फिर 5 × 25, फिर 5 × 5, तो जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 21 अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 पर जो हो जाएगा 6 घात और 5 पे कितना घात हो जाएगा, तो 5 पे 2 घात हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पर कुछ घात हो गया, यानी कि यम का मतलब कुछ घात, यानी का मतलब है यहाँ पे हम लोग सूत्र जो दिए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पे कुछ घात आए, 5 पे कुछ घात आए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे 6 घात हो गया, 5 पे जो है 2 घात हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है 2 पर जो है यन और जो है 5 पर जो है यम के रूप का है, इस रूप का है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, बस शांत है। बस इसमें यही पूछेगा, मैंने इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि बताइए शांत है कि अशांत है, या इसमें कह देगा, खाली कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा, कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार के रूप में है बिना भाग दिए हुए, तो बस यही फार्मूला अपनाएंगे। अगर इस रूप का आता है तो कहेंगे कि शांत है, और नहीं आता है तो कह देंगे कि अशांत है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 8/17 दिया है, तो 8/17 भी जो है यह जो है क्या होगा, अशांत होगा, अशांत ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब जो है 13/31 जो है 31/25 है, तो 31/25 का भी गुणनखंड करके देखिए, तो 31/25 का जो है गुणनखंड करते हैं तो जो है 5 लास्ट में है तो 5 से कटेगा, तो 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और जो है कितना 12 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा, फिर 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5/25, 5 × 2 = 10, 5/25 हो जाएगा, फिर 5 से जो 5 × 2 = 10, 5/25, फिर 5 × 5 = 5, फिर 5 × 5 = 5, 5/25, फिर 5 × 5, तो सब मिला जुला के 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यह जो है 13/5 पे कितना घात हो जाएगा, तो 5/5 घात हो जा रहा है, यानी कि यह जो है इस रूप का है। हमने बोला है कि या तो 2 पर n घात आ जाए, या जो है 5 पे जो है कुछ घात आ जाए, m घात आ जाए, ठीक है, तब भी जो है यह दशमलव प्रसार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग 5 पर जो है 5 घात आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा, तो इसका क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस यही कहानी है, यहाँ कोई भी भिन्न ले लीजिए और देखिए उसको जो है बट्टे में जो है मान लीजिए यहाँ पे जो है कितना है 64 है, तो 64 का गुणनखंड कीजिए, यदि जो है इस रूप इस फार्म में आ जाता है तब तो कहेंगे कि जो है शांत है, नहीं तो जो है क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका जो है इसका गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 12, फिर 2 × 2 = 16, फिर 2 × 2 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 2। अब जो इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो घात के रूप में अगर इसको बदलें तो 2/6 घात हो गया। ठीक है, और ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से मतलब नहीं है, बस नीचे जो है इस फार्मेट में आ गया, देखिए 2 पर जो है कुछ ना कुछ घात आ गया ना, 2 पर n घात का मतलब n का कोई भी मान हो, 5 पर m घात का मतलब m का कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो इस रूप का आ जाए तो हम लोग जो है कहेंगे कि यह जो है क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2/6 घात है, तो 2/6 घात है इस रूप का जरूर है, ठीक है ना, इस ग्रुप का है ना, तो
या तो जो इतना आया या तो इतना आया या तो इन दोनों का गुणनफल के रूप में आया, तब भी जो है यह क्या होगा, शांत ही होगा। तो यह जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत जो है बताना आ गया होगा। मैंने इस रूल से जो है आप लोग बिना भाग के जो है बता सकते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।